रही मन में माँ के गर्भ वाच में लाड़ो सोच रही मन में बाहर जाके कब नाचूंगी माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी मात की गोद भरूंगी पिता की लाज बचूंगी माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही मन में माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही मन में बाहर जाके कब नाचूंगी माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी। और लोग ये कहते हैं जिनके बेटा नहीं होता उनका उद्धार नहीं होता। मैं बोला दुनिया वालों को बता देना चाहता हूं अगर बेटों से किसी का नाम चलता हो सज्जनों तो बेटा पैदा करने वाला चोर हो कत्ल करने वाला हो वो तो स्वर्ग में चला जाएगा क्या या बेटी वाले दुनिया में नहीं रहेंगे। सज्जनों बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल मत घबराइए अगर बेटा प्रभु ने नहीं दिया तो ये बेटियां ही तो बेटा है। सज्जनों बताया माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही मन में माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही मन में बाहर जाके कब नाचूंगी माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी। और मैं आपसे सही बात कहूं मेरे भक्तों जिनके पुत्र पैदा होता है लोग कहते पुत्र वाले स्वर्ग को जाएंगे। ये बताओ उस परमात्मा ने जीवात्मा भेजा या पुत्र और पुत्री भेजा है कोई बताए। परमात्मा ने जीव भेजा और जीव सबका स्त्रीलिंग हुआ करता है। सज्जन लोग ये कहते हैं कि बेटे से नाम चलता है। मैं दुनिया वालों को ये बता देना चाहता हूं अगर बेटे से नाम चलता होता तो पिताजी मर नहीं पाते 13 दिन होते नहीं कि बेटा तहसील में जाता और कहता पिताजी का काट दो और जमीन में मेरा चढ़ा दो। बोलो नाम कटा या चल गया। किसी की बेटी जाकर के तहसील में ये कहती है कि पिताजी का काटो मेरा चढ़ा दो। बोलो एक बाप बेटी नदी को पार कर रहे हैं। नदी बड़ी गहरी थी और बाप बेटी जब नदी को पार कर रहे हैं नदी बहुत गहरी थी। पिताजी बोले बेटा मैं तेरा हाथ पकड़ लूं। बेटी बोली नहीं पिताजी अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो कभी किसी मजबूरी में मुझे छोड़ सकते हो लेकिन आपके हाथ को मैं पकड़ लूंगी मैं आपको डूबने नहीं दूंगी मैं आपको डूबने नहीं दूंगी। जब ये कहा मैं आपको डूबने नहीं दूंगी और वो बेटी रो रही है। सज्जनों गटर में पड़ी हुई बेटी की जीभ हाथ रो रही है। माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही मन में माँ के गर्भवास में लाड़ो सोच रही मन में बाहर जाके कब नाचूंगी माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी। और सज्जनों एक बात याद रखना बेटों को कुछ भी कहना पर इन बेटियों को कुछ न कहना। ये बेटियां जब अपने घर में पैदा हो जाए तो माँ बाप कहते पराए घर का कूड़ा है और पराए घर में पहुंच जाती है तो कहते पराए घर से आई है इनका कोई अपना घर नहीं है। सज्जन सब कुछ कहना पर इन बेटियों को कुछ मत कहना। और अरे पता नहीं हत्यारी मैया डॉक्टर के वो पास गई पता नहीं है हत्यारी मैया डॉक्टर के वो पास गई गर्भ पास में जांच कराई हत्या सिर पर बैठ गई गर्भपात में जांच कराई हत्या सिर पर बैठ गई गर्भ पास में जांच कराई हत्या सिर पर बैठ गई गर्भ पास में जांच कराई हत्या सिर पर बैठ गई गर्भ पास में कर कर
टुकड़ा गर्भवास में कर कर टुकड़ा गर्भवास में कर कर टुकड़ा गर्भवास में कर कर टुकड़ा बाहर दिया निकाल कभी माफ करेगी मात से बदला लेगी कभी ना माफ करेगी हाथ से बदला लेगी माँ के गर्भवास में लाड़ू सोच रही मन में माँ के गर्भवास में लाड़ू सोच रही मन में बाहर जाके कब नाचूंगी माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी और वो बेटी की जीवात्मा गटर में पड़ी है एक एक टुकड़ा बेटी का अपना है कोई भी अंग जीवित जिंदा नहीं है कोई अंग साबित नहीं छोड़ा और वो बेटी अपनी माँ से कहती है अभागिन माँ काहे को तिन गर्भवास में मैया मुझे बुलायो काहे को तिन गर्भवास में मैया मोहे बुलायो काहे को तिन गर्भवास में मैया मुझे बुलायो काहे को तिन गर्भवास में मैया मोहे बुलायो हत्यारे पर बेरहमी से कत्ल करायो हत्यारे पर बेरहमी से कत्ल मेरा करवायो हत्यारे पर बेरहमी से मेरा कत्ल करायो हत्यारे पर बेरहमी से मेरा कत्ल करायो और माँ वो माँ को बेटी कहने लगी कटर में पड़ी हुई बेटी कहती है माँ जिनके बच्चे पैदा नहीं होते समझ लेना उसने पिछले जन्म में बेटियों को मरवाया है अरे जन्म जन्म तू बाज रहेगी 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 अब तेरे ना होगी संतान नरक में तू भी मरेगी कभी ना शांति मिलेगी नरक में भोग करेगी कभी ना शांति मिलेगी नरक में तू भी मरेगी कभी ना शांति मिलेगी नरक में भोग करेगी कभी ना शांति मिलेगी माँ के गर्भवास में लाड़ू सोच रही मन में माँ के गर्भवास में लाड़ू सोच रही मन में बाहर जाके कब नाचूंगी माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी 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 और सज्जनों शास्त्र ये कहता है यही कर्म के भोग सामने भक्त पड़े पर आते यही कर्म के भोग भक्त पर सामने आते यही कर्म के भोग सामने भक्त पड़े पर आते यही कर्म के भोग भक्त पर सामने आते यही कर्म के भोग सामने भक्त पड़े पर आते यही कर्म के भोग समय पर भक्त सामने आते गर्भ गिरे और रोगी हो गए बहुत ही कष्ट उठाते गर्भ रोग और रोगी हो गए बहुत ही कष्ट उठाते गर्भ गिरे और रोगी हो गए बहुत ही कष्ट उठाते गर्भ गिरे और रोगी हो गए बहुत ही कष्ट उठाते अरविंद वही चेतना जागी अरविंद वही चेतना जागी अरविंद वही चेतना जागी अरविंद वही चेतना जागी अब मैं ऐसा नहीं करूंगी पाप से सदा डरूंगी
बाहर जाके कब नाचूंगी